इसको डिक्रेटरशिप कहा गया, इसको इंतजामिया लोगों की इंतजामिया नहीं था। तो बेहतर होगा कि अपनी जबरदस्ती से बाहर आए तो रास्ता पूरा भी खुल जाए। ये मुल्क हमेशा सोशल सर्विसेज पे चला है और इस मुल्क की यकीन दहानी सोशल सर्विसेज के, सोशल वेलफेयर के। यहाँ पे अगर सोशल वेलफेयर करना है तो सोशली पहले इकोनॉमिकली लोगों को मजबूत करना है। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, ये इंतजामिया से पहले बात करना भी कोई इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि नाजायज इंतजामिया है, लोगों की इंतजामिया नहीं है। फिर भी जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे डीसी के लेवल से लेके एक्सएन के लेवल तक हो, आपकी वसातत से मैं उनसे कहना चाहूँगा, बजाय इसके कि हालात को यहाँ पे ख़राब करे, हमारी माँ बहनों को मजबूर करे सड़कों पे आने के, वो पहले इनकी मदद करें, इनकी इकतसादी हालात ठीक हो जाए। जो इनकी इकतसादी हालात उस लायक हो कि मीटर्स लगाए जा सके, ये अवली फुर्सत मीटर्स लगाएंगे। हकाइक है और जो आर्गुमेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स इस वक्त वकला हजरा दे रहे हैं, जो लीगल आर्गुमेंट्स वकला हजरा दे रहे हैं, उससे एक बात वाजह हो रही है कि ये किस तरह की डाका जनी की गई थी। उम्मीद है कि अदलिया जो है वो इंसाफ से काम ले, अदलिया इंसाफ के लिए ही है, हमारी उम्मीद भी अदलिया से लगी हुई है। तो इस वक्त इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्मीद है कि जो हक है उसी की इंशाल्लाह कामयाबी होगी। जाम बंद हो सकता है, अभी यहाँ पे पुलिस का अमलिया था, यहाँ पे अमला था यहाँ पे, और यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर हजरा थे, उन्होंने कहा हम डेफर करेंगे, इनसे पहले बात करेंगे। अगर वो डेफर करते हैं इस इंस्टॉलेशन को, इनके साथ पहले बात करते हैं, तो ये अभी चक्का जाम खुल सकता है। ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होता, ये रियासत जो है मैं फिर से दोहराऊँगा, तभी चल सकती है जब लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और जो ही लोगों की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती से काम लिया जाए उसको डिक्टेटरशिप कहा जाता है, उसको इंतजामिया लोगों की इंतजामिया नहीं कहा जाता है। तो बेहतर होगा कि अपनी ज़बरदस्ती से बाहर आए तो रास्ता जो है अभी खुल जाए।